प्यारे, हम सब लोग सजना चाहते हैं। संसार में सजना किसको अच्छा नहीं लगता है? एक क्रूप से क्रूप व्यक्ति भी अपने आप को सुंदर दिखाने का प्रयास करता है। उसके मन में भी होती है कि हम भी सुंदर होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे, सुंदरता तन की सुंदरता, मन की सुंदरता और धन की सुंदरता, ये तीन प्रकार से सुंदरता आती है मनुष्य के जीवन में। तन की सुंदरता, स्वरूप गौरांग हो, और सुंदर सा ये जो नक्शा है ना, बाहरी नक्शा, ये सुंदर सा नक्शा है, सुंदर हो, पतली नाक, पतले होंठ, काले नयन, अनेक अनेक तरह की सुंदरताएं हैं। तो ये नक्शा जो है, जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, वो सुंदर नक्शा बने। एक तन की सुंदरता है, दूसरा है मन की सुंदरता। तन तो सुंदर है, परंतु मन हमेशा गलत प्रवृत्तियों में लगा रहता है, हमेशा कुछ विध्वंसक, कुछ विस्फोटक सोचते रहना, चिंतन करते रहना, हमेशा विनाश के कार्य में ही लगे रहना, ये मन की कुरूपता है। अर्थात मन से भगवत का चिंतन करते रहे, दान, दया, धर्म, उपकार के प्रति सोचते रहे, चिंतन करते रहे, ये मन की सुंदरता है मेरे प्यारे। और धन की सुंदरता, जब बहुत सारा हम आभूषण धारण कर लेते हैं मेरे प्यारे, आंखों में, कान में, नाक में, मुंह में, गला में, हृदय में, पैर में, मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक सिर्फ सोने, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात से अपने आप को जड़ लेते हैं, वो धन की सुंदरता है मेरे प्यारे। परंतु शास्त्रों ने कहा है कि आभूषण कैसा धारण करना चाहिए। यतीनां भूषणं ज्ञानं संतोषो हि द्विजं मनः उद्यमः शत्रुहननं भूषणं भूतमेक्षितां। यतीनां भूषणं ज्ञानं संतोषो ही द्विजन्म नाम उद्यम शत्रुहरणम भूषणम भूतमिच्छिताम। अर्थात सन्यासियों का, ज्ञानियों का, साधु, संत, सन्यासी, ज्ञानी, इन सबका आभूषण क्या है? यतीनां भूषणं ज्ञानम्, यतीनां भूषणं ज्ञानम् संतोषो हि द्विजन्मनाम्।
अर्थात सन्यासियों का, संतों का ज्ञान ही आभूषण है। जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो संतों का, महात्माओं का, सन्यासियों का ज्ञान ही आभूषण है। अर्थात ज्ञानियों को, संतों को, महात्माओं को ज्ञान का आभूषण धारण करना चाहिए। संतोषो ही द्विजनम, द्विज अर्थात ब्राह्मण को, ब्राह्मण का जो आभूषण है वो संतोष है। संतोषो ही द्विजमनाम, उद्यम शत्रुहरणम भूषणम। उद्यम अर्थात जो अपनी उन्नति की आकांक्षा रखते हो, अर्थात जो अपना उन्नति चाहते हो, उनको हमेशा परिश्रम करना चाहिए। उद्यमेन ही मनुष्याणाम कार्याणि न मनोरथ। सिर्फ मन में सोचने से वहां तक नहीं पहुंचते हैं, उद्यमे नहीं मनुष्य, तो उद्यम करना चाहिए आपको। अर्थात जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, जो अपनी उन्नति चाहते हैं, उनको परिश्रम करते रहना चाहिए। ऐसा वेद व्यास जी श्रीमद देवी भागवत में महाराज जनमेजय को सुना रहे हैं। श्रीमद देवी भागवत पंचम स्कंध में के पांचवें अध्याय के तीसरे श्लोक में उन्होंने कहा है, यतीनाम भूषणम ज्ञानम संतोषो ही द्विजनाम उद्यम शत्रुहरणम भूषणम भूत मिच्छता। अर्थात यतियों का, सन्यासियों का, ज्ञानियों का ज्ञान ही आभूषण है, ब्राह्मणों का संतोष आभूषण है, उद्यमी अर्थात अपना कल्याण चाहने वालों का, अपनी उन्नति चाहने वालों का, उनका उद्यम ही आभूषण है। और इसी के द्वारा वो सुंदर लगते हैं और सुंदर दिखते हैं मेरे प्यारे। तो एक बार बोलना पड़ेगा, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।